हिंदू शास्त्र की गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिससे मानव ने व्यक्तित्व का आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। इसमें प्रश्न केवल धार्मिक आस्था या विश्वास का नहीं बल्कि मानव जीवन की आवश्यकता और पूर्ति का भी है। किसी भी प्रकार आपसी सहयोग तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से जीने की अभिव्यक्ति भी शामिल है। शास्त्रों में कहा गया है कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले खूब सोच कर विचार कर लेना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि किन स्त्रियों के साथ पुरुष को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अविवाहित स्त्री, एक पुरुष को स्त्री से विवाह के भी किए बिना उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, फिर बेशक आपसी समझौते से हो या जबरदस्ती। अविवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाना महापाप है। विधवा स्त्री, एक पुरुष को गलती से भी एक विधवा स्त्री के करीब नहीं जाना चाहिए, अर्थात उसके साथ शारीरिक रूप से संपर्क ना साधे। ब्रह्मचर्य का पालन कर रही स्त्री, कभी भूल कर भी ऐसी स्त्री जो कठोर तपस्या में लीन हो या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हो उसको उसके मार्ग से हटाना नहीं चाहिए, ये महापाप है। दोस्त की पत्नी, अपने दोस्त की पत्नी पर बुरी नज़र रखना या दोस्त की पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना, यह पाप किसी पाप से महापाप से कम नहीं। दुश्मन की पत्नी, शास्त्रों के अनुसार दुश्मन की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना या उसके साथ किसी भी प्रकार का संपर्क तक साधना एक पाप है। शिष्य की पत्नी, ओहद में खुद से नीचे की या खुद के शिष्य की पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, यह शास्त्रों में उल्लेखित महापापों में से एक महापाप माना जाता है। खुद के परिवार की स्त्री, अपने ही परिवार की किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना शास्त्रों की दृष्टि से बेहद गलत है। वेलकम फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे मैकवी न्यूज़ चैनल से। इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें।